अच्छा कविन, एक चीज जो गारंटीड है वो ये कि जिसे हम एज ऑफ द थ्रिलर कहते हैं ना, वो 19 तारीख को हमें देखने को मिलने वाली है। बट एक सवाल जो जो सब हर कोई यहाँ पे पूछने वाला होगा, और मैं उनके बिहाफ पे पहले ही पूछ देता हूँ, 2 साल से जितनी भी मूवीज हैं वो सब, वो बहुत डर रहे थे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर्स हैं सिनेमा में रिलीज करने के लिए उसे, तो ये बहुत बोल्ड डिसीजन था कि एक बड़े पर्दे पर सिनेमा को रिलीज करना, फिल्म को रिलीज करना, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? ये वाला माइक यूज कर। जहाँ तक कि इनका सवाल है तो मैं ये कहूँगा कि रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा बहुत अलग मज़ा आता है। अब होम डिलीवरी कब तक करते रहेंगे? तो बस अब वक्त है कि आए लोग पिक्चर देखें, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ सब कुछ ध्यान रखते हुए, जैसे कि कहा गया है, सरकार ने जैसे बोला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आके मीडिया को फेस करें। अभी भी 18 दिन बाकी या 17 दिन बाकी, कुछ भी हो सकता है। इंडिया कल मैच करेगी विमेंस हॉकी टीम अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड इट्स कंसीडर्ड एज रियल चकदे मोमेंट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मेरे लिए गोल्ड मोमेंट है। सुपर। यस क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। नो लारा, सो आप में से कोई अगर अगर कोई गेस कर ले तो I'm allowing them to bring all their family members for free to the theater. okay, so you did see me in the trailer. I'm playing Mrs. Indira Gandhi. That's me. Oh. Yes, questions? Akshay sir, you've had a movie release on a digital platform, and then is that like a balance? आपका मतलब क्या था? मुझे वापस बोल, पूछना क्या पूछा? क्या बैलेंस करने की बिकनिंग से पूछो ना, बैलेंस मतलब कौन सा? रिलीजिंग अ फिल्म ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड देन हैविंग अ मूवी रिलीज्ड इन। अच्छा, तो आप लक्ष्मी 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 के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, उस वक्त तो खुला ही नहीं था, तो फिल्म को लेके बैठा हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, कुछ तो करना चाहिए था, तो फिर उस हिसाब से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आगे भी तो दे दो किसी। और अक्षय जी और वाणी जी की जोड़ी पहली बार सिनेमा में सामने आ रही है, तो कैसा लगा आपको साथ काम करके? नो, आई वाज वेरी हैप्पी। माय फादर इज एक्चुअली अ ह्यूज फैन ऑफ अक्षय सर एंड सो एम आई। एक्चुअली एवरीबॉडी इन आवर फैमिली नोस, हैज प्रैक्टिकली वी वॉच्ड ऑल योर मूवीज। But it was a blast. I think he's one of the funniest human beings in a good way. Like, but he's funny. He has a great sense of humor. He's a great actor. He's approachable. He takes care of his team, of everybody on set. You feel like a very family environment, you know. And I had it was a very new experience for me because we used to sit together, have lunch together, dinner together, off set, on set, all the time. Like he was just like out there for you, you know, with this full support. So it was incredible, great experience. Did you have a good experience? Yeah, I had a great experience working with Vani Kapoor. Vani ji is a beautiful girl. She bura aise likh sakta hun, but I really enjoyed working with her. She's very talented. She's a wonderful actress. जो मतलब मैं कहूँगा जो मैंने अपनी 40वीं फिल्म के अंदर सीखा था, मतलब एक्टिंग कैसे करता था मैं, वो इसने पहली या तीसरी फिल्म में ही कर लिया। बेल बॉटम के बाद आपकी कोई सबसे ज्यादा फिल्म का वेट है तो वो है सूर्यवंशी का जी, तो क्या अपडेट है सर? क्योंकि मुझे लग रहा है अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है वो, जिसका आई थिंक सब वेट करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जरा डेट के बारे में कब आएगी डेट, और मतलब उसके बारे में दो इंसान जानते हैं, एक भगवान जानते हैं।
शेट्टी जी उन्हें तो नहीं पता कब आ रही है, वो ही बताएंगे भी कब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आई जानी चाहिए अब, क्योंकि सारे सिनेमाज खोल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो जैसे ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है आ जाएंगी चाहिए अगले महीने या अगले दो अगले महीने जैसे भी होगा, मुझे भी पता लग जाएगा आपको बता दूंगा मैं। और कुछ? थैंक यू मैडम, कब से बोल रही है मैडम, प्लीज पूछिए आप। एंड आपने जब अभी पूरा ये बेल बॉटम की शूटिंग करी एंड पहले जो आपका ये ओटीटी वाला थिएटर रिलीज था उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपने अभी शूट किया, और उसमें अगर आपको कोई एक मेजर पॉइंट जो आपको एक चेंज का दिखा एक्सेप्ट दैट क्वारंटीन पार्ट, आपको एक जो मेजर चेंज लगा वो क्या था? हमें पता ही नहीं चलता कि मास्क के पीछे कौन है, हमें पता ही नहीं चलता है, जब वो मास्क उतारते हैं जब शूटिंग के लिए आते हैं तब पता चलता है, बस यही चेंज है। सभी सिनेमा ओनर्स को प्रेजेंट करने वाले हैं, बिकॉज इस फिल्म से ना ही सारे सिनेमा हॉल्स खुलने वाले हैं बल्कि हम सबकी एंटरटेनमेंट की चाबी खुलने वाली है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।